वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। फाइनली गाइस, आज हमारे पास है आईकू का G6 और ये स्मार्टफोन 15,000 रुपए के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और भाई, जब हमने चेक किया कि कैसी ऑडियंस है मेरी, तो पता लगा भाई बिना सब्सक्राइब के लोग देख के चले जाते हैं, तो यार क्यों नहीं करते सब्सक्राइब। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। और ये वीडियो लाइक भी कर देना, लाइक का टारगेट रख देते हैं, कितना रखें, चलिए 2,000 करा देना। तो जनरली आपने देखा होगा आईकू के जितने भी स्मार्टफोन्स आते हैं वो कहीं ना कहीं गेमिंग को थोड़ा सा ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, ताकि परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिले और प्राइस थोड़ा कम पे करना पड़े। तो उसी को ध्यान में रख के ये स्मार्टफोन बनाया गया है। इसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 695। और अगर हम बात करें कुछ डिवाइसेस की, तो हाल ही में लॉन्च किया था Redmi का Note 11 Pro Plus, उस फोन में आपको देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें प्राइसिंग गैप की, तो काफी ज्यादा है। सो गाइस, आप जानते होंगे Redmi Note 11 Pro Plus का प्राइस 21,000 रुपए है, लेकिन अगर हम बात करें iQOO G6 की, तो ये स्मार्टफोन आपको 15,499 में देखने को मिलता है। लेकिन टेक्निकली अगर बात करेंगे, तो ये स्मार्टफोन आपका 13999 में देखने को मिलेगा विद बैंक कार्ड्स। तो काफी सस्ती डील हो जाती है। ऐसे में 14,000 रुपीस के अंदर ये फोन में क्या कुछ दिया गया है प्रोसेसर के अलावा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक कवर जो कि है ट्रांसपेरेंट और सिलिकॉन टाइप का। कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि वारंटी कार्ड और क्विक स्टार्ट गाइड। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है आपका स्मार्टफोन, जो कि कुछ इस तरीके के कलर में आता है। इसके अलावा बॉक्स में देख लेते हैं क्या कुछ और है। तो एक चार्जर है जो कि है 18 वॉट का, और एक केबल है जो कि है USB टाइप A2 टाइप C। साथ में आपको देखने को मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल। तो भाई, ये जो फोन है इसको हम पिछले 24 घंटे से यूज कर रहे हैं लगभग से, और इसमें काफी सारी चीजें हमने करी हैं, फोटोज भी खींची हैं और नॉर्मल भी यूज किया है, गेम्स भी खेले। तो एक्चुअल में एक एक चीज करके हम आपको बताएंगे कि ये जो फोन है इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये फोन का लुक कैसा है। तो लुक की अगर हम बात करें, तो ये फोन कुछ इस तरीके से आपको देखने में लगता है। और ये जो कलर है हमारे पास, ये हल्का स्काई ब्लू है, लेकिन iQOO इसको बोलता है क्रोमेटिक ब्लू। और यहाँ पे हल्का सा स्पार्कल वाला भी फिनिश आता है, अगर हल्का सा आप रोटेट करेंगे तो ये हल्का पिंक और रेड कलर में चेंज होता है। तो ये एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, iQOO की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे कैमरे का मॉड्यूल कुछ इस तरीके की डिजाइन का है, और यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, साथ में एक LED फ्लैश है, और 5G की ब्रांडिंग आपको यहीं पे देखने को मिल जाती है कैमरे के ऊपर। और एक चीज यहाँ पे काफी अच्छी लगी कि अगर आप फोन को नॉर्मल यूज करते हैं बिना कवर के भी, तो फिंगरप्रिंट यहाँ पे नहीं लगता है, मतलब फिंगरप्रिंट मैग्नेट ये डिवाइस नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और चीजों के बारे में, तो फिंगरप्रिंट जो है वो आपको इस साइड देखने मिलता है, जो कि ये साइड माउंटेड, और ये काफी फास्ट है, काफी ज्यादा क्विक है। यहाँ पे कुछ आप सैंपल्स देख सकते हैं। अभी गाइस बात करें ये फोन के स्क्रीन साइज की, तो ये आपको देखने को मिलता है 6.53 इंचेस का, विच इज फुल HD, और ये एक IPS पैनल है, साथ में व्हाइट कलर गैमेट के साथ में आता है, जो कि है DCI-P3। और अगर हम बात करें इसके स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, तो ये है 90.61%। और भाई, ये जो डिस्प्ले यूज किया गया है इसमें, ये आता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में। और यहाँ पे अगर हम बात करें टच सैंपलिंग रेट की, तो ये है 240Hz का। और एक तरह से हम बात करें इस फोन के थिकनेस की, तो ये है 8.2mm का, और इस फोन में आपको 5000mAh की बैटरी इनबिल्ट मिलती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफी पतला बनाने की कोशिश की गई है। और भाई, बात करें इसके वेट की, तो ये है 186g का। तो यूज करने में काफी लाइट वेट लगा, और वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी इस डिवाइस का काफी बढ़िया है। अभी भाई बात कर लेते हैं ये फोन के सबसे हाइलाइटेड फीचर के बारे में, विच इज प्रोसेसर। और इसमें आपको जो चिपसेट देखने को मिलता है, ये है Qualcomm Snapdragon 695, और ये एक 5G चिपसेट है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो चिपसेट है ये कितना कैपेबल है, या फिर अगर हम बात करें किस प्रोसेसर को टक्कर देता है, किसके बराबर है, तो आपने लास्ट जनरेशन में देखा होगा Snapdragon 730G या फिर 732G, तो उससे हल्का सा बेटर है। हल्का सा बेटर इन द सेंस कि लगभग से 15% इसके CPU की परफॉर्मेंस अच्छी है, और GPU की अगर हम बात करें तो ऑन पेपर लगभग 30% बेटर है। हालांकि नॉर्मल यूजर्स में उतना पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ा सा स्मूथनेस एक फील होती है, क्योंकि हमने यूज किया था Redmi Note 10 Pro जिसमें आपको मिलता था Snapdragon 732G, उससे थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस मुझे लगी इस डिवाइस की। अब गाइस, यहां पे फाइनली मुद्दे की बात करते हैं कि गेमिंग जो है वो कौन-कौन सी सेटिंग्स पे यहां पे चलती है। गेमिंग के अंदर हमने BGMI को ट्राई किया, एक दो और गेम्स ट्राई किए, लेकिन ज्यादातर लोग BGMI ही खेलते हैं। तो यहां पे अगर आप जाएंगे ग्राफिक्स के अंदर, तो यहां पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो आपको ग्राफिक्स देखने को मिलता है, ये है स्मूथ पे अल्ट्रा, मतलब 40fps का गेम प्ले ये डिवाइस देने में कैपेबल है मैक्सिमम। इसके अलावा यहां पे जो बैलेंस्ड है, इस पे भी आपको अल्ट्रा मिल जाता है। तो अगर आप ग्राफिक्स हल्का सा शिफ्ट करेंगे, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और HD पे अगर
अगर आप जाएंगे तो आपको हाई तक का ऑप्शन मिलता है, HDR पे अगर आप क्लिक करेंगे तो HDR का सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। बाकी प्राइस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे गेमिंग में काफी अच्छी परफॉर्मेंस मुझे मिल रही है। और भाई अगर आप इसका डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू देखना चाहते हैं, फुल रिव्यू गेमिंग वाला एकदम कंप्लीट टेस्ट, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है मिस्टर टेक्निकल गेमिंग पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं मिस्टर टेक्निकल गेमिंग, और वाला चैनल भी भाई अपना ये सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस आ चुके हमने टेरिस पे और चेक करेंगे इस फोन का कैमरा। तो यहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा मिलता है वो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, और सेकेंडरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, एज अ माइक्रो कैमरा काम करेगा, और जो थर्ड वाला कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। और यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, अगर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मैं आपको बोल रहा हूँ तो ये 6GB और 8GB रैम के स्मार्टफोन के साथ में काम करेगा। एक्चुअल में जो 6 और 8 वाला वेरियंट है उसी के साथ में बोके वाला मोड है, 4GB वाले में बोके प्रोसेस नहीं कर पाता है, तो वहां पे आपको बोके मोड देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। अब गाइस यहां पे कुछ सैंपल्स की अगर हम बात करें तो कुछ डे लाइट में फोटोज हमने खींची हैं इसके रियर कैमरे से, तो आप देख सकते हैं किस तरीके की क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर हम यहां पे बात करें शार्पनेस वगैरह की तो काफी बैलेंस्ड है, अगर हम बात करें यहां पे एक्सपोजर की तो वो भी ठीक है, और ओवरऑल अगर हम बात करें पिक्चर क्वालिटी की तो काफी नेचुरल यहां पे पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम बात करें इस फोन के फ्रंट कैमरे की तो ये देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का, और इसकी भी कुछ फोटोज यहां पे हम लगा देंगे, आप देख सकते हैं डे लाइट में कैसी ये फोटो क्लिक करता है, और लो लाइट की कुछ सैंपल्स यहां पे आप देख सकते हैं। अभी गाइस बात करते हैं इस फोन के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो यहां पे आपको देखने को मिलता है फन टच OS जो कि बेस्ड है Android 12 पे, तो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पे आपको देखने को मिलता है, और UI काफी स्मूथ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि यहां पे कुछ ब्लॉटवेयर मिले थे जैसे कि MX टकटक और मौज, तो आप इनको सबको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन यहां पे आपको मिल जाता है। बाकी यहां पे आपको मिलती है UFS 2.2 की स्टोरेज, और ये प्राइस के हिसाब से काफी फास्ट आपको मिल जाती है, और LPDDR4X रैम मिलता है। और रैम की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं वेरिएंट्स की, तो ये स्मार्टफोन स्टार्ट होता है 4GB रैम के साथ में, तो 4GB की जो प्राइस है वो आपको 15,499 देखने को मिलती है, लेकिन बैंक के डिस्काउंट के बाद में आपको लगभग से ये फोन 14,000 रुपए के आसपास पड़ेगा। तो ये था कंप्लीट वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा भाई, तो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।